जींद प्रशासन की ओर से मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि जींद जिले में धारा 144 लगाई हुई है। भारी पुलिस बल के साथ हमने यहां पुख्ता प्रबंध कर रखे हैं। आप हमारे साथ सहयोग करें, शांति बनाए रखें और सभी मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कानून को अपने हाथ में ना लें। मेरा सभी मीडिया कर्मियों से भी अनुरोध है, आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं परंतु साथ में यहाँ पर क्योंकि हमें आशंका है कि कुछ शरारती तत्व वेपन लेके यहाँ आए हुए हैं और शांति भंग हो सकती है, तो मैं आप सभी से, सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जगह से अपना जो है साइड में हो जाएं और हमें जो नाका है इसे सुरक्षित रखने दें। क्या क्या प्रबंध यहाँ पे किए गए सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से? हर तरह से हमने प्रबंध किए हैं। कुछ चीजें मैं जो आपके साथ शेयर कर सकूंगा, कुछ हमारी टैक्टिकल है, परंतु हर तरह से हमने सभी किसान भाइयों की, मीडिया कर्मियों की, मुलाजिमों की सेवा सुरक्षा के प्रबंध कर लिए। क्या कार्रवाई रहेगी किसान आगे बढ़ते बैरियर तोड़ कर दी? हर तरह की हमारी कार्रवाई रहेगी और अब आपसे मेरा अनुरोध है कि क्योंकि यहाँ सिचुएशन इस तरह की हो सकती है तो आप सभी भी अब सुरक्षित जगह पर आ जाएं और हमें अपनी ड्यूटी भी निभाने दें। धन्यवाद। मुलाजिम तैनात किए गए हर, ये अब सारी चीजें आपको हम बाद में बताएंगे। अब मेरी रिक्वेस्ट है भाई मीडिया कर्मियों से भी, आप सब भी अपनी ड्यूटी क्योंकि निभा रहे हो तो हम आपकी भी सेवा सुरक्षा हमारी ड्यूटी है सर, और किसानों की। अगर किसान पक्का मोर्चा लगाते हैं यहाँ पे हफ्ता 10 दिन के लिए तो आप बॉर्डर खोलेंगे कि? सभी तरह की जी हमारी तैयारी है, वो हम इस समय क्योंकि सिचुएशन ऐसी है नहीं बता पाएंगे, परंतु हम सभी किसान भाइयों की, मीडिया कर्मियों की, मुलाजिमों की सेवा सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाने के हमने पुख्ता प्रबंध कर लिए। धन्यवाद। थैंक यू। आपसे रिक्वेस्ट है सर, बीच में भी आपसे रिक्वेस्ट है, चलो करवाओ भाई अपने हरियाणा के मीडिया कर्मी उधर, पंजाब की शांति रखी जाए। सो डीसी जींद आदित्य दहिया वालों अपील की गई है कि शांति बनाई रखी जावे। हरियाणा सरकार हर तरह की स्थिति ना कंट्रोल निबण लई तैयार है। साली नाल जुड़ियां खबर देखण लई जुड़े रहो बाबूशाही दे नाल। तुहानू लाइव तस्वीरां होर दिखा दिंदे आ कि हरियाणे विच जो पुलिस के हालात ने वो किस तरह के ने, देख सकते हो कि किस तरह हरियाणे वालों पुलिस तैनात की गई है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हरियाणे साइड दी तस्वीरां ने, एक साइड ते पंजाब के किसान ने, दूजे पासे हरियाणा फोर्स ने। डीसी जींद आदित्य दहिया मीडिया के रूबरू होंदे ने, गलबात करदे ने, दसदे ने कि हालात किवें दे ने, सुरक्षा दे पूरे प्रबंध किए गए ने, शांति बनाउण दी अपील डीसी जींद आदित्य दहिया वालों की गई है। ये हरियाणा साइड दी तस्वीरां तुसीं देख रहे हो, बॉर्डर ते इस पासे दी तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो किस तरह पुलिस बल तैनात किया गया। जे गल की जाए तो जल तोपां तैनात कीतियां गईयां ने, फायर ब्रिगेड की गड्डी तैनात की गई है। लोड़ पैण ते साफ बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है हरियाणा वालों कि लोड़ पैण ते सख्ती भी वरती जा सकती है। तस्वीरां तुसीं हरियाणा साइड तो देख रहे हो। डीएम साहब की रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सेफ हो जाए, पंजाब से है ना आप? हाँ जी। हाँ सर, थोड़ा सेफ हो जाए सर प्लीज, IMDPR से पोलाइट रिक्वेस्ट सर। थैंक यू सर। तो हम पे बात पड़ेगी। सो हरियाणे की तस्वीर तुम देख रहे हो, बार बार अपील की जा रही है कि शांति बनाई रखी जाए। पंजाब का किसान शांति बना के रखने के लिए, पंजाब का किसान जो है वो शांति में प्रोटेस्ट करने की गल कर रहे हैं। डीसी जींद मीडिया के रूप रूप होंगे ने, गलबात करते हैं, तो उन्होंने तस्वीर होर क्लोज दिखाई जाएगी। पुलिस फोर्स किस तरह तैनात की गई है, पुलिस वालों सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे। दूसरे पासों शोर है जो साफ सुनाई दे रहा है, तस्वीर तुम्हें दिखा हालात ने, पंजाब साइड की तस्वीर दिखा रहे ने, तुम किस तरह के हालात बने हुए ने। पंजाब बॉर्डर से तस्वीर तुम देख रहे हो, एक भारी कट कनौरी बॉर्डर से होना शुरू हो चुका है। हरियाणा पुलिस वालों जो इंतजाम किए गए ने तुसी देख सकते हो। कितने ना कितने जो स्थिति आ वो विस्फोटक होंदी दिखाई दे रही है। स्थिति
पुलिस वालों सख्ती वरती जा सकती है। पुलिस फोर्स अगे बढ़ रही है भाई, लाइव लगातार चलूगा। डीसी की बाइट में करती है, वो नाम पा दो जो मर्जी पा दो, लाइव चलूगा। स्थिति हालात काबू हो रहे हैं, राणा पुलिस अगे बढ़ रही है, लाइव चल रहा है, लगातार ही चलूगा। ये देखते रहो तुम अपने ऊपर जो हालात ने, तुम देख रहे हो किस तरह के हालात बढ़ते जा रहे हैं कनूरी बॉर्डर से। बार बार हरियाणा पुलिस वालों भी अनाउंसमेंट की जा रही है, पुलिस वालों अनाउंसमेंट की जा रही है कि जिला जींद के धारा 144 लगी हुई है, किसी भी अगे नहीं जान दिता जाऊगा। जो लोड़ पई तब पुलिस वालों सुरक्षा के नज़र नाल भारी बल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पुलिस वालों पूरी तैयारी की गई है, इस संबंधी जिला जींद के डीसी आदित्य दैया मीडिया नाल मिलते हैं, गलबात करते हैं। हालातों का जायजा वो लगातार लै रहे हैं, प्रशासन लगातार जींद प्रशासन लगातार हालातों का जायजा लै रहा है। तस्वीर तुम बाबू शहीद देख रहे हो किस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। पंजाब वालों भारी घट बार्डर से जमा हो गया, चाहे किसान यूनियन उगराहां वालों 7 दिन लगातार इतने धरने पर बैठने की गल की जा रही है, शांतमई प्रोटेस्ट की गल की जा रही है, पर बावजूद इसके कुछ किसान ने जो बार्डर से पहुँच चुके हैं, हल्ला गुला किया जा रहा, लगातार रौला पै रहा। इस दे नाल ही जो हरियाणा पुलिस आ वह भी मुस्तैद हो गई है, जो तुम देख सकते हो तो जो जल तोपा ने उस पानी भरया जा रहा, तो लोड़ पैणते जल तोपा भी इस्तेमाल की जा सकन, वाटर कैन भरिया जा रही हैं। तुम देख रहे हो किस तरह फायर ब्रिगेड की गड्डिया के पानी जल तोपा के भरया जा रहा है। पंजाब के नौजवान हजूम कट खनोरी बार्डर से इकट्ठा हो चुके हैं, लाइव तस्वीर तुम देख रहे हो बाबूशाही से। इस समय जो हालात ने खनोरी बार्डर से वह पूरी तरह विस्फोटक बनी हुई है स्थिति, हालात गंभीर बनती नज़र आ रहे हैं। जिस तरह कट कट्टा होया उस तरह दूसरे पासे हरियाणा फोर्स वो भी तैनात कर दी गई है। डीसी जींद आदित्य दैया मीडिया ना मिलते हैं, गलबात करते हैं, सुरक्षा का जायजा लेंदे हैं। उन्होंने वालों साफ कहा गया कि जे स्थिति बेकाबू हो गई तो उन्होंने वालों भारी पुलिस बल भी वरत्या जा सकता है। फिलहाल जो तस्वीर तुम देख रहे हो कुछ किसान पत्थर चकते हुए नज़र आ रहे हैं, तस्वीर जूम करके दिखा दें, जो तुम देख रहे हो तो तस्वीर सेंटर के किसान जो वड्डे पत्थर सड़क के सट्टे सन ता जो गड्डिया अगे ना आ सकन, उन्होंने किसानों वालों हिलाया जा रहा, हथा नाल हिलाए जाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा फोर्स आ जो वो बैक हो रही है। फिलहाल जो स्थिति आ पूरी तरह बेकाबू होंगी नज़र आ रही है, किसान ने जो सड़क के रास्ते आ रहे, फोर्स थोड़ा पिछे हट रही है। इस तरह की जो फोर्स जो पिछे हटती है तो उस मगरों फोर्स आक्रामक हो जाती है, वाटर कैन शुरू हो चुकी ने, पानी दिया बुशारा पाई जा रही।